So, first of all, uh, a small introduction about the examination paper style and the number of chapters that we have in uh, CA final SFM. The normal paper style that we have is that there will be usually 6 questions in examination paper. This message of first question wo compulsory, that is, of 20 marks. Question number 2 to question number 6. दीज आर द फाइव क्वेश्चन और उस पर से हमको कोई भी चार क्वेश्चन अटेंड करने हैं एंड दीज क्वेश्चन आर ऑल्सो ऑफ द ट्वेंटी मार्क्स जो एग्जामिनेशन का पेपर सेल होगा इन दैट दे विल बी हैविंग से द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट वुड बी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन विल बी द थियरी क्वेश्चन जो पहला दो क्वेश्चन होगा ना उसका मार्क्स वेटेज होगा एट मार्क्स ईच एंड द लास्ट क्वेश्चन विल बी अ फोर मार्क्स या तो उसका वेटेज हो सकता है टेन सिक्स कई बार उसका वेटेज होता है ट्वेल्व फोर दैट इज फॉर से देटे दे हैव तो पहले दो क्वेश्चन का वेटेज क्या होगा वो कन्फर्म नहीं होता है बट यूजअली सट इज एट मार्क्स ईच कई बार टेन सिक्स होता है कई बार ट्वेल्व फोर होता है दैट इज फॉर द मार्क्स विट इज एट से दे हैव सो वी अंडरस्टैंड ऐट से अगर हम लोग एग्जामिनेशन का पेपर का थोड़ा रिव्यू करते हैं तो देर आर टोटल क्वेश्चन नंबर वन और उसके अलावा चार यानी टोटल पांच क्वेश्चन हमको अटेंड करने हैं हर एक में ऑन एन एवरेज चार मार्क्स का थियोरी होगा सो ट्वेंटी मार्क्स थियोरी का होगा ऐसा हो सकता है नंबर ऑफ टाइम्स इट लाइक दिस से ये जो चार क्वेश्चन है ना उसमें से एक क्वेश्चन में तीनों तीन वो लोग प्रैक्टिकल पूछते हैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल बी क्वेश्चन प्रैक्टिकल और सी क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल ऐसा तीनों तीन प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं दैट इज पट से दे हैव तो उस केस में क्या हो जाएगा कंपलसरी थियरी हो जाएगा सिक्सटीन मार्क्स का यानी कि अगर आपने वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेंड किया तो आपको एक थियरी क्वेश्चन कम अटेंड करना पड़ेगा आप तो सोलह नंबर का थियरी क्वेश्चन लेके चल सकते हैं आ, अभी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से टोटल से 14 चैप्टर्स चैप्टर से, से ये जो चार चैप्टर्स है उसमें पूरा का पूरा थियोरी है फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर सिक्स चैप्टर और 14 चैप्टर ये जो सेकेंड चैप्टर है ना उसमें एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वैल्यू एट रिस्क उसके अलावा बाकी सब जो चैप्टर्स है इन दैट से ऑफकोर्स दे विल बी हैविंग थियोरी एंड प्रैक्टिकल बोथ जैसे हम लोग सेकेंड लेवल में करते थे जिसमें कैपिटल बजटिंग का चैप्टर होता था तो कैपिटल बजटिंग में क्या प्रैक्टिकल भी होगा और थियोरी भी होगा ऐसा करके वी हैव अ कॉम्बिनेशन द सेम इज द केस दैट हैपन्स ओवर हियर से फॉर दीज चैप्टर्स अभी हम लोग हमारा चैप्टर नंबर सेवन आज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है म्यूचुअल फंड दैट इज फर्ट्स द चैप्टर विथ विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड का जो चैप्टर है इन दैट ऑन एन एवरेज नाइन मार्क्स का पूछा गया है ऑन एन एवरेज टिल जुलाई 2021, इन दैट यू कैन सी दैट इट इज मार्क्स एट मार्क्स एट मार्क्स टेन मार्क्स फोर्टीन एट एट तो अप्रॉक्सीमेटली आठ मार्क का क्वेश्चन इसमें आता है यू कैन सी दैट से एक बार चौदह मार्क का भी आया था जैसे uh, मुझे ऐसा लगता है आई मे बी रॉन्ग बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक लेंदी चैप्टर हो जाता है रिविजन में फॉर एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट मैं नाइन्थ और टेंथ चैप्टर साथ में करवाता हूँ दैट इज़ ऑल्सो लेंधी चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी फॉर रिविजन फिर ये डेरिवेटिव और ये इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट भी मैं साथ में करवाता हूँ दैट इज़ अगेन अ लेंदी चैप्टर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मर्जर एक्विजिशन मॉडरेट है इतना लेंदी नहीं है जितने बाकी के तीन चैप्टर्स अभी मैंने जो बताए सिक्योरिटी एनालिसिस सिक्योरिटी दैट इज वैल्यूएशन वो भी मॉडरेट है और ये जो चैप्टर है दैट इज पॉट द शॉर्टेस्ट चैप्टर दैट वी हैव सी इन द एंट एफ एम तो मैं ऐसा समझता हूँ कि देखो चार चैप्टर्स थियरी के साथ में ले लेते ले हैं चार चैप्टर्स थियरी के साथ में ले लेते ले हैं तो उसमें भी आपको मॉडरेट टाइम जाएगा इतना सारा टाइम नहीं जाएगा उसमें क्यों क्योंकि उसमें बहुत वेराइटी टाइप का क्वेश्चन नहीं होते हैं थियोरी में क्या हमेशा देर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन कि कुछ टाइप के क्वेश्चन ही होंगे उसको बहुत ट्विस्ट करके भी वो लोग पूछ सकते नहीं है सो क्वाइट सिंपल होता है थियोरी तो वो 16 मार्क्स में से हम लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में से आप देख सकते हो दैट ऑन एन एवरेज उन्होंने 10 मार्क का पूछा है द रीसेंट एग्जामिनेशन दिसंबर वाला जो था उस पर सरप्राइजिंगली म्यूचुअल फंड में से कोई क्वेश्चन नहीं था अदरवाइज यूजुअली म्यूचुअल फंड में से होता है आप देख सकते हो देट इज़ वर्ट सदर स्ट्रैटेजी दैट यू शुड बी हैविंग इन प्रिपरेशन जिसमें जो लास्ट डे को ये लेंथी चैप्टर्स उसको हमेशा लास्ट में करना चाहिए क्योंकि वो पूरा का पूरा कभी रिवाइज होगा नहीं तो उसको हम लोग फार्मूलाज है या बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसी को रिवाइज करके अपना रिविजन खत्म कर सकते हैं क्योंकि अगर उसमें हमने रिविजन वहाँ से शुरू किया तो ऐसा हो सकता है कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा सो दिसर्स दर्शन दट वी है कौन से कॉन्सेप्ट से पूछा है वो भी मैंने आपको बताया और कितने टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया है ठीक है